विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के आपातकालीन मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रियान ने कहा कि जानवरों में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच के लिए इस महीने चीन में बड़ी टीम भेजने की उम्मीद करना अवास्तविक है। पिछले सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दो अधिकारी COVID-19 की उत्पत्ति का पता लगाने वाली टीम के हिस्से के तौर पर बीजिंग गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि यह वायरस पशुओं से मनुष्यों में आया है। भविष्य में ऐसी महामारी से बचने के लिए जांच की जा रही है। रियान ने कहा कि बड़ा दल चीन भेजने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही ऐसा किए जाने पर संदेह है। ये बाद में भेजा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के दो विशेषज्ञ बीजिंग के एक होटल में क्वारंटीन है। हालांकि WHO ने कहा कि मौजूदा दल के वुहान जाने की कोई योजना नहीं है। वुहान में ही पिछले साल दिसंबर में सबसे पहले इस वायरस का पहला मामला सामने आया था और शुरुआती हफ्तों में यह सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन में इस वायरस की उत्पत्ति की जांच को लेकर कई बार मुद्दा उठाया गया था और शुरू में चीन इससे इनकार करता रहा था, लेकिन बढ़ते दबाव के बीच चीन WHO की टीम के दौरे के लिए राजी हुआ था। चीन से शुरू हुए इस वायरस ने देश में लगभग 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 82,000 से ज्यादा मामले संक्रमित हुए हैं।